नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल RBSC विद HSM में। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2021 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं एवं रिवाइज्ड टाइम टेबल भी जारी किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम रिवाइज्ड टाइम टेबल एवं एडमिट कार्ड डाउनलोड के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान हमें रिवाइज्ड एंड फाइनल टाइम टेबल टर्म एंड एग्ज़ाम दिसंबर 2021 अपडेट ऑन 1 जुलाई 2022, डाउनलोड परमिशन लेटर फॉर टर्म एंड एग्ज़ाम दिसंबर 2021 के लिंक दिखाई देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिवाइज्ड टाइम टेबल के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वे पेज ओपन होगा। रिवाइज्ड टाइम टेबल टर्म एंड एग्ज़ाम दिसंबर 2021, दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने PDF का लिंक दिखाई देगा। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है, एग्जाम 6/7/2022 को प्रारंभ होंगे। इसमें आंशिक जो परिवर्तन है किया गया है। इस PDF फाइल का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है, जहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दिया गया है, जहां से आप इसे आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करेंगे हम एडमिट कार्ड के संदर्भ में। डाउनलोड परमिशन लेटर फॉर टर्म एंड एग्जाम दिसंबर 2021 दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। परीक्षार्थी अपने नाम या स्कॉलर नंबर द्वारा अपना परीक्षा अनुमति पत्र प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षार्थी स्कॉलर नंबर प्रविष्ट दौरान पहले 6 अंकों के बाद डैश का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। नाम द्वारा अनुमति पत्र प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थी सर्च स्कॉलर नंबर बाय नेम पर क्लिक कर अपना पूरा नाम टाइप करके सबमिट बटन दबाएं। परीक्षार्थी नीचे प्राप्त सूची में अपना नाम चुनें और स्कॉलर नंबर पर क्लिक कर अपना परीक्षा अनुमति पत्र प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षार्थी अपने परमिशन लेटर में विसंगति होने पर अविलंब ईमेल आईडी दी गई है, इस ईमेल आईडी पर हम मेल कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो भी दिया गया है, स्कॉलर नंबर फिल करेंगे। यह एग्जाम्पल दिया गया किस प्रकार हम अपना जो स्कॉलर नंबर फिल करेंगे, इसके पश्चात सबमिट पर क्लिक करके हम एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च बाय नेम दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नाम सर्च करेंगे और इसके पश्चात सर्च पर क्लिक करके हम अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जिसकी सहायता से आप वेबसाइट पर पहुंचकर एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। अब तक बने रहे RBSC विद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।